माँ। हाँ बेटा। क्या हुआ? कुछ नहीं माँ, मैं बहुत दिन से नोटिस कर रही हूँ, आप कुछ बताती नहीं है मुझे। बेटा कुछ हुआ ही नहीं, क्या बताऊँ तुझे मैं? आप बताओ ना, पापा कुछ कहते हैं? लड़ाई हुई उनसे? नहीं बेटा, कुछ नहीं हुआ। माँ बताओ ना, मैं आपकी बेटी हूँ, मुझसे क्यों छुपा रहे हो? बेटा कोई बात नहीं है, तुम स्कूल जाओ। माँ बताओ ना। बेटा कह रही हूँ ना, कोई बात नहीं है, जाओ स्कूल। क्या बात है बेटा, क्यों परेशान हो? कुछ नहीं अंकल। मैं तुम्हारे पापा का दोस्त हूँ, कोई भी बात हो तो बेटा तुम मेरे से बता सकती हो। अंकल मैं आपको क्या बताऊँ, मेरे पापा बिल्कुल अच्छे आदमी नहीं हैं, वो रोज़ मेरी माँ को मारते हैं। जब भी मेरी माँ उनके कमरे से बाहर आती है, कभी उनके चोट के निशान, कभी उनके बाल बिखरे हुए, और कभी कभी तो साड़ी फटी रहती है। अंकल मैं बहुत टेंशन में हूँ अंकल, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, कैसे बचाऊँ अपनी माँ को उससे। बेटा तेरा बाप अच्छा आदमी नहीं है, एक दिन तेरी माँ को मार सकता है, कभी तो तुझे भी मार सकता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, तुम उसे सावधान रहना, ठीक है? अरे बिटिया आ गए आप? क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा। माँ बताओ ना, आप रोज ऐसी हालत में बाहर आती हो। कुछ नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ, तुम स्कूल जाओ। माँ बताओ ना। बेटा मैंने कहा ना कुछ नहीं हुआ, तू स्कूल जा, जा स्कूल। Thank you.
ही ठीक रहेगा। निशा मेरे कमरे में? निशा तुम आज मेरे कमरे में कैसे आ गई? पिछले 3 महीनों से तो तुम इस कमरे में आई नहीं हो, फिर आज ही अचानक। खैर निशा, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला कि उस विकास का साथ छोड़ दो। मैं अब ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम एक बात सोचो, हमारी बच्ची अब बराबर की हो गई है। कल को उसे तुम्हारे और विकास के बारे में पता चलेगा तो वो क्या सोचेगी, उसके दिल पे क्या बीतेगी? निशा तुम सुन रही हो ना? सो गई। ठीक है तुम सो, मैं बाहर ड्राइंग रूम में सो जाता हूँ, पर मेरी बात का ध्यान रखना। मैं तो पापा को बहुत गलत समझती थी, वो तो अच्छे इंसान है। अगर रोज मम्मी के साथ वही करते तो वो मेरे साथ भी कर सकते थे। इसका मतलब मम्मी ही गलत है और वो विकास अंकल उनके साथ ही मिले। मेरी जान, अपना प्लान कहाँ तक पहुँचा? विकास, अपना प्लान एकदम सक्सेसफुल है। मैंने अपनी बेटी के दिमाग में उसके बाप के प्रति जहर भर दिया है। अब वो अपने बाप के साथ नहीं रहने वाली, जब भी रहेगी मेरे साथ ही रहेगी। और बची खुची कसर मैंने पूरी कर दी। तुमने बहुत अच्छा काम किया, यही तो हम चाहते थे। ये सारी प्रॉपर्टी सब उसके बाप ने उसके नाम कर रखी है, इसलिए तो हमने ये प्लान बनाया ताकि वो हमारे वश में रहे।
प्रॉपर्टी हमारी हो जाए। बस अब और एक पत्ता फेंकना बाकी है, फिर सब कुछ हमारा। ये लो निशा, तुम्हारे और मानव के तलाक के पेपर और मान्या के कस्टडी के पेपर तैयार करवा दिए मैंने। जैसे जैसे मैंने कहा था सब करवा दिया ना? हाँ, तुमने जैसे जैसे बोला मैंने सब वैसा वैसा करवा दिया। लॉयर से बोल के सारा मेंशन करवा दिया है ना? अरे सब कुछ ए टू जेड करवा दिया मैंने। चलो वेरी गुड, बस तुम्हें मानव के सिग्नेचर लेने इस पे। तो देर किस बात की है, साइन कर देता हूँ ना। लेकिन सिर्फ तलाक के पेपरों पर, क्योंकि मान्या की कस्टडी तो मेरे पास ही रहेगी। और तुझे बहुत शौक है ना दूसरों की बीवी के साथ मजे लेने का, तो सामने है ले जाए इसे। मैं तो इस मौके की तलाश में बहुत दिनों से था, वो तो मेरी बेटी ने मुझे ये सब बताया। मैं तो तुम्हारी हकीकत पहले से ही जानता था, लेकिन बेटी नहीं जानती थी। अब वो भी जान गई है तुम्हारी असलियत। आपको माँ कहते हुए मुझे घिन आती है, शर्म आती है। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? आप गेम खेल रही थी अपनी बेटी के साथ सिर्फ पैसों के लिए। छी, सुना नहीं मान्या ने क्या कहा? गेट आउट।